हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मिनी मैथ। यहाँ मैं आपको क्लास वाइज और चैप्टर वाइज पूरा मैथ ट्यूटोरियल प्रोवाइड करूँगी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ टाइम टू टाइम पर मिलते रहें। वेलकम बैक। चैप्टर नंबर 4, एक्सरसाइज 4.2, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो गाइस ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है। देखिए क्या बोल रहा है। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस। पहले तो एक राइट ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ओके, एल्टीट्यूड कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर लेस किससे? बेस से। तो अगर मैं बेस को एक्स लिख लूं तो हाइट कितना मिल जाएगा मेरे को? 7 माइनस एक्स मिल जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है, है ना। और क्या बोल रहे थे? हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया? 13 सेंटीमीटर। ये भी किसमें रहेगा? 7 सेंटीमीटर। ये भी किसमें रहेगा? सेंटीमीटर में, ठीक है। फाइंड द अदर टू साइड्स, मतलब हमें ये 7, x माइनस 7 और x की वैल्यू क्या करनी है? हमें फाइंड करनी है। ओके गाइस, तो चलिए हम इसको देखते हैं। हमें क्या पता है? एक पाइथागोरस थ्योरम होता है, उससे हमें क्या पता है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर। क्या होता है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर, है ना। तो वही कर लिया, बेस एक्स, परपेंडिकुलर इतना, मतलब हाइट इतना, और ये क्या है? हाइपोटेनस का स्क्वायर। ओके, तो इसको अगर मैं ओपन अप कर लूं तो हमें पता है फॉर्मूला है ना, ए प्लस बी, ए माइनस बी है, ना। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसको अगर मैं ओपन अप कर लूं तो ए स्क्वायर माइनस 2 7 14 ए बी, मतलब 2 ए बी प्लस 49 7 49 इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर कितना होता है गाइस? 169। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? 2 एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स प्लस 49 माइनस 169 इक्वल्स टू 0। क्या लिख लूं इसको? 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल्स टू 0। अब ये 2 के मल्टीपल से सारे, तो मैं इसको रीराइट करके ऐसे लिख सकती हूँ, 2 से डिवाइड कर दूं अगर, तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अब हमें स्प्लिट क्या करना है? माइनस 7x को, और क्या लिखना है? 60, तो 60 को फैक्टराइज कर लो। तो 2 3 जा 0 30, 2 1 5 3 5 जा एंड 5 1 जा, कितना आ गया हमारे पास? 2 2 3 एंड 4 आ गया, है ना। तो अब अगर मैं क्या कर लूं, मतलब अगर मैं कर लूं, ये तो 4 हो गया और ये 5 और ये 3, तो ये 12 और 5 का अगर मैं लिख लूं तो 7 आ जाएगा, मतलब माइनस 12x प्लस 5x अगर मैं लिखूंगी तो ये मेरे को आंसर मिल जाएगा, है ना। तो चलिए आंसर लिखते हैं, अब इसे रीराइट करते हैं प्रॉपरली। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x कॉमन लिया तो x माइनस 12 आ गया, यहाँ से 5 कॉमन लिया तो x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। 5 12 60 होता है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मेरे को? x माइनस 12 और एक क्या मिल जाएगा? x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब x की वैल्यू क्या क्या मिल रही है? इधर से 12 मिलेगी और इधर से कितनी मिलेगी? माइनस 5 मिलेगी। तो गाइज हमने x कंसिडर किसे किया था? बेस को, है ना। आप वो लिख लीजिएगा, लेट बेस इज कंसिडर एज एक्स। ओके, सो द हाइट इज एक्स माइनस 7, क्योंकि 7 लेस दिया, वो सब आप मेंशन कर लीजिएगा। तो एक्स हमने किसको कंसिडर किया था गाइस? बेस को, ट्रायंगल के बेस को, है ना। तो बेस कभी भी नेगेटिव में तो हो नहीं सकता, तो हम इसे कैंसिल कर लेते हैं। तो एक्स की वैल्यू हम क्या कंसिडर करेंगे? 12। ये हमारा आंसर होगा 12। तो बेस हमारा कितना आ जाएगा? एक्स हमने क्या कंसिडर कर लिया? 12 सेंटीमीटर, है ना। तो हमारा बेस कितना मिल गया हमें? 12 मिल गया। तो हमें हाइट कितनी मिल जाएगी? हाइट हमने क्या कंसिडर किया? x माइनस 7। तो 12 माइनस 7 इस कितना मिल जाएगा? हाइट हमें 5 मिल जाएगा। क्लियर है गाइस? तो ये हमारे बाकी के जो दो साइड्स इसने बोला था, तो उसमें से बेस क्या हो गया हमारा? 12 सेंटीमीटर। एंड एल्टीट्यूड क्या हो गया हमारा, जिसे हम हाइट भी बोलते हैं, वो हो गया 5 सेंटीमीटर। दिस इज आवर आंसर गाइस। ओके, हैव अ क्वेश्चन नंबर 6, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.2। A cottage industry produces a certain number of poultry articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of a production of each article is 3 more than twice the number of articles produced on that day. Okay, if the total cost of a production is
on that day was 90 rupees. Find the number of article produced and the cost of each article. अच्छा देखिए, जो हमें find करना होता है, हम उसी को क्या करते हैं? Consider करते हैं, assume करते हैं, okay? तो क्या करेंगे? Let number of article, एक दिन में produce होने वाला number of article हम क्या ले लेते हैं? X. और क्या बोला है? Cost of each article, है ना? Cost of article, each article, लिख लीजिए each article. क्या बोल रहा है? कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल. अब देख रहे हैं क्या बोल रहा है. ओके, क्या बोला है? इन अ ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी एक दिन में कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल का जो कॉस्ट होता है, थ्री मोर देन द ट्वाइस ऑफ अ नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे. हमने क्या लिया है? एक्स लिया है, आर्टिकल जो प्रोड्यूस हो रहा है उसके ट्वाइस से तीन ज्यादा उसका क्या होता है? कॉस्ट होता है. जितना भी आर्टिकल, जैसे आर्टिकल मैंने दो प्रोड्यूस किया तो दो दुनी चार और उसमें प्लस तीन कर दो तो सात रुपए उसका कॉस्ट होगा. ठीक है, दो आर्टिकल का. क्लियर है गाइस? तो ऐसा है. ओके, और क्या बोल रहा है? अब क्या बोल रहा है? ये तो हमें पता चल गया कि ये क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल, और ये क्या है हमारे पास कि उसका कॉस्ट क्या होगा, ईच आर्टिकल का कॉस्ट. ओके, तो क्या बोल रहा है? अब क्या बोल रहा है उसके बाद? इफ द टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन ऑन द डे इज, ऑन दैट डे वॉज 90 रुपीज. अब टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा? जब आर्टिकल और उसका कॉस्ट मल्टीप्लाई होगा. अगर मैं दो आर्टिकल ले रही हूँ और उसका कॉस्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ तभी तो दोनों का वो निकलेगा. ये तो ईच आर्टिकल निकला, एक आर्टिकल का सात रुपए निकला, है ना? तो दो आर्टिकल का कितना रुपए निकलेगा? 14 रुपए निकलेगा. वैसे ही एक्स से मल्टीप्लाई करूंगी अगर मैं इस टर्म को, तभी मेरे को इस होल आर्टिकल का प्राइस मिलेगा, है ना? तो उसको कितने रुपए मिल रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? अगर हम देखें तो दिस इंटू दिस टोटल कॉस्ट लिख सकते हैं आप इसे. टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू एक्स इंटू टू एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू 90 रुपीज. क्लियर है? इसे अच्छे से रीराइट कर लें तो 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू 90. ओके, या फिर इधर लाके साइन चेंज कर लिया, माइनस 90 इक्वल्स टू 0. ओके, अब स्प्लिट करना है हमें किसे? मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है. हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं और हमें फैक्टराइज किसे करना पड़ेगा गाइस? 180 को. क्यों? क्योंकि यहाँ पे 90 और यहाँ पे क्या है? 2 है, है ना? तो 92 जा 180, तो 180 को अगर हम स्प्लिट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 9 जा 0, 2 45 जा 3 1 जा एंड 5 जा 3 5 जा एंड 5 1 जा. तो कितना आया? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, इतना आया गाइस, है ना? तो अब अगर मैं इसे 15 रखूं, हमें क्या चाहिए? 3 चाहिए और 90 का मल्टीपल भी बनना चाहिए. और मैं इसे कितना लूं? 4 3 जा 12. 12 और 15 के बीच का मैं डिफरेंस देखूं तो कितना आएगा? 3 आएगा, है ना? अब मैं इसमें प्लस माइनस भी डाल देती हूँ, प्लस माइनस इसके अकॉर्डिंगली, साइन के अकॉर्डिंगली. रीराइट कर लें अगर हम इस इक्वेशन को, तो रीराइट कर लेते हैं. अब क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइस? यहाँ से हम ले लेंगे x कॉमन, तो क्या हो जाएगा? ये 2x प्लस 15 हो जाएगा. यहाँ से क्या कॉमन निकल जाएगा गाइस? यहाँ से माइनस 12 कॉमन निकल जाएगा. माइनस 12 नहीं, माइनस 6 कॉमन निकलेगा, है ना? माइनस 6 कॉमन निकलेगा तो 2x प्लस 15 दिस इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से अब 2x प्लस 15 कॉमन निकल गया इन दोनों में से, बचा क्या? x माइनस 6 इक्वल्स टू 0. तो एक x कितना मिल जाएगा? 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 6 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 2x इक्वल्स टू माइनस 15. सो x इक्वल्स टू माइनस 15 अपॉन 2. एक x इतना आ गया और यहाँ से x इक्वल्स टू कितना आ गया? 6 आ गया. तो गाइज यहाँ पे हमें x की वैल्यू किसे कंसिडर किया? द नंबर ऑफ आर्टिकल. नंबर ऑफ आर्टिकल जब प्रोड्यूस हो रहा है तो वो नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो हम कंसीडर किसे करेंगे? नंबर ऑफ आर्टिकल 6 को कंसीडर करेंगे. क्लियर है? तो हमारे पास नंबर ऑफ आर्टिकल पूछा है ना, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, तो वो कितना प्रोड्यूस हो रहा है? नंबर ऑफ आर्टिकल इज 6 एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल. तो हम हमारे पास कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल के लिए क्या है फॉर्मूला? 2x प्लस 3. तो 2 इंटू एक्स कितना आया? 6 प्लस 3. 6 2 जा 12 प्लस 3 इक्वल्स टू 15. तो 15 रुपीस किसका कॉस्ट आया है? कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल. हर एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना आया है? 15 रुपीस आया है. क्लियर है गाइस? तो ये हमारा आंसर हुआ. आंसर नंबर ऑफ आर्टिकल इज 6 एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज रुपीस 15. क्लियर है?
ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. हम एक्सरसाइज 4.3 का इंट्रोडक्शन देखेंगे. और गाइज आप एग्जाम्पल्स करिए, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, आप उसको सॉल्व करिए. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट में मेंशन करिए, मैं आपके क्वेश्चन के आंसर जरूर दूंगी. थैंक यू गाइज. स्टूडेंट सेम टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्पल में भी हैं, आप ट्राई जरूर करिए. जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप सबके लिए अच्छा होगा. गाइज अगर आपको फुल एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूंगी. एक्सरसाइज के सारे सॉल्यूशन एक्सरसाइज वाइज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. थैंक यू.